दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक पीसी बिल्ड करेंगे, वो भी 5000 के अंदर, जिसमें हम लोग गेमिंग कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग अब सोच रहे होंगे कि 5000 में तो एक अच्छा फ़ोन भी नहीं आता है, हम लोग पीसी बिल्ड करने वाले हैं वो भी गेमिंग वाला। वेल दोस्तों मैं आपको यहाँ पे सब कुछ बताऊंगा कि यार पीसी मैंने कैसे मैनेज किया है। तो यहाँ पर जो स्पेक्स है पीसी की, वो आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं। बाकी यहाँ पर अगर मैं कुछ बताऊँ तो यहाँ पर इस वाले पीसी में आपको फॉक्सिंग की मदरबोर्ड मिल जाती है, FNB G41 वाली है, और ये यहाँ पर DDR3 वाली जो रैम है उसको यहाँ पर सपोर्ट करता है। तो ये बेसिकली मैं आपको यहाँ पर नॉलेज के लिए आपको पे बता देना चाहता हूं कि इसमें टोटल जो रैम है वो 8 GB तक की सपोर्टेड है, और जो यहाँ पे 1333 हर्ट्ज वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे सपोर्टेड है, तो परफॉर्मेंस काफी अच्छी मिल जाएगी। इसके बाद आपको इस वाले जो सिस्टम है इसमें यहाँ पे आपको ग्राफिक कार्ड भी मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे जोटैक की कंपनी का आने वाला, आपको GeForce NVIDIA का है बेसिकली, यहाँ पे 210 वाला है, और यहाँ पे ये भी यहाँ पे DDR3 वाला है, 1 GB रैम के साथ में आता है। इसमें जो प्रोसेसर है वो यहाँ पे इंटेल का पेंटियम काफी बेसिक सा प्रोसेसर है, आज से कुछ 15 साल या तो ऐसे कुछ यहाँ पे पुराना है। इसके बाद यहाँ पे जो रैम है वो 2 GB की, और इस वाले सिस्टम में कोई भी SSD नहीं है, यहाँ पे HDD ही खाली यूज की गई है। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि यार सिस्टम मैंने कैसे मैनेज किया, तो ये बेसिकली यहाँ पे मेरे एक फ्रेंड का यहाँ पे सिस्टम है, उसने यहाँ पे बेसिकली एक गेमिंग लैपटॉप ले लिया, तो अब उसको इस वाले पीसी की यहाँ पे बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पे मैंने उससे मांगा तो यहाँ पे उसने मुझे दे दिया। बेसिकली यहाँ पे पहली बार में जब मैंने उसको कॉल करी तो यहाँ पे मैंने कहा कि मुझे तुम्हारा एक पीसी चाहिए, वो जो तुम्हारा रखा हुआ है ओल्ड पीसी, तो उसने कहा कितने में लोगे, तो मैंने कहा मुझे लेना नहीं है। तो उसके बाद उसने यहाँ पे सवाल ही नहीं किया, वो समझ गया कि मुझे किस पर्पस के लिए मुझे यहाँ पे वाला पीसी चाहिए। बस उसने खाली इतना कहा कि तुम खाली ले जाओ इसको, सही सलामत वापस कर देना। तो मैं आपको यहाँ पे पूरी कंप्लीट टेस्टिंग करके आपको दिखाऊंगा कि आप इस वाले पीसी में कौन कौन से काम कर सकते हैं, ट्रस्ट मी बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। दोस्तों ये है वो CPU जो कि मैंने अपने दोस्त से लिया हुआ है, और ये देखिए यहाँ पे वही जो ग्राफिक कार्ड है, देखिए जोटैक की यहाँ पे आपको ब्रांडिंग देखने मिल जाएगी, और वहाँ पे वैसे यहाँ पे DVD राइटर भी लगा हुआ है, और ये यहाँ पे देखिए यहाँ पे SCL का, देखिए यहाँ पे ये पूरा कैबिनेट है, और इंटेल पेंटियम का देखिए मैं प्रोसेसर है, और बाकी मैंने डिटेल्स तो आपको मैंने सब कुछ आपको स्क्रीन पे पहले मैं शो कर चुका हूँ। यहाँ पे बेसिकली मैंने ये जो है ये मैंने एक वाईफाई कार्ड जो होता है वाईफाई कनेक्ट करने के लिए वो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, और बाकी जो आप यहाँ पे सिस्टम देख पा रहे हैं ये जो बेसिकली यहाँ पे माउस हो गया, ये मॉनिटर कीबोर्ड ये सब मेरा है, ये उसका नहीं है। अब फाइनली दोस्तों यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस को हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने वाईफाई से कनेक्ट कर दिया है, माय कंप्यूटर पे जाता हूँ, ये देखिए 2 GB की रैम ही शो कर रहा है, और HDD जो है इसमें यहाँ पे 500 GB की है। तो यहाँ पे अगर आप लोग इसमें SSD यहाँ पे इंस्टॉल करवाएंगे तो यहाँ पे आप लोग Windows 7 की जगह आप लोग Windows 8 भी यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे YouTube वीडियो यहाँ पे प्लेबैक हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम क्वालिटी आ रही है Full HD पे लगा हुआ है, और यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी आपको लैगनेस देखने को नहीं मिलेगी। इसको यहाँ पे थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूँ, फिर देखता हूँ कि कितना लैग कर रहा है, बिल्कुल भी लैग नहीं कर रहा। दोस्तों यहाँ पे इस वाले प्रोसेसर पे आप लोग Full HD तक की वीडियोस यहाँ पे वॉच कर सकते हैं, इवन 2K भी कर पाएंगे, क्योंकि इसमें इस वाले वीडियो में ऑप्शन बेसिकली शो नहीं कर रहा है, तो आप लोग इसमें 2K 4K वाले वीडियो आराम से यहाँ पे इसमें देख पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे फाइनल बात कर लेते हैं इसकी गेमिंग की। दोस्तों यहाँ पे मैंने टोटल ओवरडोज मैंने खोल दिया है, और इसको मैं लोड कर रहा हूँ, तो देखिए काफ़ी स्मूथ इसमें आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। इसमें मैंने और भी गेम प्ले किए थे, जैसे कि टॉम राइडर हो गया, और जो मैक्स पेन हो गया, स्पाइडरमैन, और जो मतलब बाकी और भी गेम्स है, GTA की गेम्स है, GTA Vice City, लिबर्टी सिटी, वो सभी गेम इसमें बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रहे हैं। तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ, स्टोरी लाइन है, तो ये देखिए यहाँ पे कितना स्मूथ चल रहा है, यहाँ पे कुछ भी मुझे किसी भी तरह का कोई लैगनेस देखने को नहीं मिल रहा। तो प्राइस के हिसाब से आप कह सकते हैं कि अगर 5000 के हिसाब से, मतलब ये एक गेमिंग पीसी इसको मतलब कह सकते हैं, क्योंकि 5000 की मतलब कोई भी डिवाइस में आप इतनी अच्छी इतनी स्मूथ गेमिंग कर पाएँ तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन आप लोग इसमें कर सकते हैं। और मैं आप लोग को अभी वीडियो याला ये जो गेमिंग वीडियो इसको ख़त्म करने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि आप लोग यहाँ पर कैसे इसको 5000 में इसको बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि जो मेरा जो है ये बेसिकली मैंने तो अपने दोस्त से लिया था, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग कैसे इसको 5000 में इसको यहाँ पे एक ऐसा पीसी यहाँ पे आप बिल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा स्किप कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये यहाँ पे काफ़ी स्मूथ है, मुझे कहीं भी मुझे कोई भी लैगनेस मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसी तरह से आप यहाँ पर जितने भी जिसकी जो ऐसे गेम जिनकी यहाँ पर सिस्टम रिक्वायरमेंट काफ़ी कम होती है, जैसे कि 1 GB रैम, 2 GB रैम, इवन 3 GB रैम, तो आप लोग यहाँ पे रैम इंक्रीज करके आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे काफ़ी स्मूथ चल रहा है। तो अब यहाँ पे गेम प्ले हटाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आप लोग को यहाँ पे ये पीसी 5000 तक की कैसे मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये जो CPU है ये तो मैंने अपने दोस्त से ले लिया है, तो आप लोग अगर यहाँ पे CPU अगर OLX पे देखेंगे तो आपको इवन इससे बेटर भी देखने को मिल सकता है, आपको राइजन बेस देखने को मिल सकता है, मैं तो इंटेल बेस है। तो यहाँ पे आपको तकरीबन यहाँ पे कुछ 3000 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है CPU। और इसके बाद अगर यहाँ पे मॉनिटर की कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पे मेरा तो देखिए सैमसंग का मॉनिटर है, तो ये थोड़ा सा कॉस्टली है। आप लोग यहाँ पे कोई भी सेकेंड हैंड कोई भी 13-14 इंच वाला
मॉनिटर ले लीजिए, वो आराम से आपका 1500 तक की कॉस्ट पड़ जाएगी। तो यहाँ पे 3000 प्लस यहाँ पे 1500 तो 4500 होते हैं, प्लस यहाँ पे कीबोर्ड माउस का क्या ही होता है, बहुत सस्ते आते हैं, साउंड और आप ले लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे अप्रॉच आपका 5000 तक की एक यहाँ पे अच्छा खासा पीसी बिल्डअप हो जाएगा। उसमें आप इवन यहाँ पे सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो मतलब यूट्यूब जो यहाँ पे वीडियो प्लेबैक होता है, आप यहाँ पे 2K तक की तो इवन यहाँ पे करीब आएंगे। इसके बाद जो गेमिंग है, जैसे कि जो ओल्ड गेम्स होते हैं जिनकी जो सिस्टम रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, 1GB RAM 2GB RAM, मतलब ऐसे कई सारे गेम है, अनलिमिटेड आपको गेम्स मिल जाएंगे और इतने पॉपुलर आपको गेम्स मिलेंगे। रॉक स्टार के गेम्स मिल जाते हैं, GTA Vice City और यहाँ पे मैक्स पेन जैसे रॉक स्टार के काफ़ी पॉपुलर गेम्स मिल जाएंगे। बहुत सारे आपको यहाँ पे सीरीज देखने को मिल जाएंगी, वो सभी आप सीरीज यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। तो आई होप कि यहाँ पे वीडियो आपको पसंद आएगा, तो वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।